Morning students, you are welcome to RCI Education Hub. Today we are going to talk about modifications of stem. इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि किस तरीके से जो है स्टेम डेवलप हो रहा है और स्टेम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और ब्रांचेस भी एक्चुअली कौन से पार्ट से डेवलप हो रही है, ये सारी बातें जो है अपन ने पुराने वाले लेक्चर के अंदर कर ली थी। अब इस वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि स्टेम जो है किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है और मॉडिफाई होने के बाद में किस तरीके से वो मल्टीपल फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं जिनके बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं कि मैंने यहाँ पे तीन चीज लिख रखी है। नंबर वन इज अंडरग्राउंड स्टेम, सेकंड इज सब एरियल स्टेम एंड थर्ड इज एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है कि ऐसा स्टेम जो कि जमीन से नीचे पाया जाता है। द स्टेम व्हिच इज फाउंड बिलो द सोइल, द स्टेम व्हिच इज फाउंड बिलो द सोइल, द स्टेम इज नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम। सेकंड यहां पे लिख रखा है सब एरियल स्टेम, ऐसा स्टेम जो कि जमीन के नीचे भी पाया जा रहा है पर इसमें ऊपर भी पाया जा रहा है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लेस, द स्टेम इज नोन एज सब एरियल स्टेम। और थर्ड रखा है एरियल स्टेम, ऐसा स्टेम जो कंप्लीटली जो है अबव द सोइल है, ऐसा स्टेम जो कंप्लीटली अबव द सोइल है, द स्टेम इज नोन एज एरियल स्टेम। अब इनके अंदर जो है अपन वन बाय वन एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अंडरग्राउंड स्टेम कि जो स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड है उसके अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस पाए जा रहे हैं। नंबर वन इज अ ट्यूब, हैव यू हर्ड द पोटैटो, आलू आप सब लोगों ने देखा है, घर के अंदर भी वेजिटेबल भी बनती है, आलू मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजों के अंदर यूज में आता है। ये आलू जो है एक रूट नहीं होगा, एक स्टेम है। अभी किस तरीके से मॉडिफाई हो गया है, देयर आर सम सर्टेन रीजंस। सबसे पहला रीजन तो जो है क्या है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टोरिंग द फूड, फूड को स्टोर कर रहा है। सेकंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड थर्ड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द रूट्स। ये जो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, नंबर वन इज द ट्यूबर, सेकंड इज राइजोम, थर्ड कॉर्न, फोर्थ बर्ब। जिसके अंदर ट्यूबर का एग्जाम्पल दे रखा है पोटेटो, राइजोम का एग्जाम्पल दे रखा है टर्मरिक एंड जिंजर दैट वी ऑल्सो यूज, कॉर्न का एग्जाम्पल दे रखा है कोलोकेशिया दिस इज ऑल्सो नोन एज अरबी, इसके बाद में बर्ब का एग्जाम्पल दे रखा है गार्लिक एंड अनियन। ये सारे के सारे जो है अंडरग्राउंड स्टेम है और बेसिकली जो है एक तो क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं। फूड को स्टोर करने के अलावा जो है दीज आर हेल्पफुल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से हेल्पफुल है कि इसका इनका जो है एक छोटा सा टुकड़ा अपने ले लिया है, लेने के बाद में अपने जो है खेत के अंदर डाल दिया है, डालने के बाद में दैट पार्ट इज कंटिन्यूअसली एब्जॉर्बिंग द फूड और फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है रैपिडली ग्रोथ करने लग जाते हैं। एंड थर्ड सम वे हर दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द रूट। जो नीचे सोइल के अंदर रूट्स डेवलप हो रही हैं, उन रूट को जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो है इसकी कुछ कॉमन फंक्शन है, इन चारों की जो है कॉमन फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो अपन क्लास 12 के अंदर करने वाले हैं, 12 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर। 12 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है पूरी डिटेल रखी है कि किस तरीके से ट्यूबर डेवलप होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा राइजोम किस तरीके से डेवलप होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कोर बल एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है क्लास 12 के अंदर मेंशन कर रखी है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट ईयर। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड रखा है सब मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम कि सब एरियल जो स्टेम है उसके अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए जा रहे हैं। नंबर वन इज रनर, सेकंड इज सकर, थर्ड इज स्टोलोन एंड फोर्थ इज ऑफसेट। इनके अंदर क्या होता है कि जो स्टेम है जो सोइल के पैरेलल ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद में जो नोडल रीजन जो होता है, नोडल रीजन से ऑटोमेटिकली जो है रूट्स डेवलप होने लग जाती है और जैसे रूट्स डेवलप होने लग जाती है एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। दैट हैपेंस इन सब एरियल स्टेम। होता क्या है, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, दिस इज द साइनोडोन। साइनोडोन में जो है अपन दो ग्रासें बोलते हैं जो कॉमनली अपने सराउंडिंग के अंदर पाई जा रही है। इसका जो स्टेम है सोइल के पैरेलल ग्रो कर रहा है,
ग्रो करने के बाद में जो उसका नोडल रीजन है, इस नोडल रीजन से ऑटोमेटिकली रूट्स डेवलप हो रही हैं, और रूट डेवलप होने के बाद में पुराने वाले साइनोडोन प्लांट से एक नया साइनोडोन प्लांट डेवलप हो गया है। ये कंडीशन अपन को किसके अंदर देखने को मिल रही है? सब एरियल स्टेम के अंदर। सब एरियल स्टेम का जो मेन फंक्शन है दैट इज हेल्पफुल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेनली जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये फंक्शन होते हैं। सकर के अंदर एग्जांपल रखे हैं मिंट, बनाना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बनाना के भी सीड नहीं होते हैं, बट आफ्टर दैट द बनाना इज ग्रोइंग। मिंट का भी जो है अपन कहीं मिंट इन द सेंस पुदीना, मेंथा बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है मेंथा, तो इसका भी एक छोटा स्टूडा लेकर अपन कहीं भी ग्रो कर देते हैं ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाता है। स्टोडोन के अंदर रखा है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी जो है स्टेम में छोटा स्टूडा लिया अपन ने ग्रो कर लिया है, कहीं पर भी स्ट्रॉबेरी इज डेवलपिंग वेरी वेल। इसके अलावा लास्ट रखा है ऑक्साइड, जिसके अंदर जिसका एग्जांपल है इकोर्निया, दैट इज आल्सो नोन एज जलकुंभी। वैसे इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, दैट विल डिस्कस इन द 12th क्लास कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। दिस इज एन एक्सोटिक स्पीसीज जो कि फॉरेन कंट्री से लाई हुई है। इसके जो है फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और खूबसूरती की वजह से जो है ये फॉरेन कंट्री से लाई हुई थी, बट पानी के अंदर जो है बहुत रैपिडली ग्रो करती है और सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है। दैट विल डिस्कस इन द क्लास 12th इकोर्निया जो है उसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। इसके बाद में थर्ड है एरियल स्टेम, कि ऐसा स्टेम जो जमीन से ऊपर ग्रो कर रहा है उसके अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस पाए जा रहे हैं, कौन कौन से जो है यूजफुल मॉडिफिकेशंस पाए जा रहे हैं। नंबर वन इज फाइलोक्लेड्स, नंबर सेकंड इज क्लेडोड्स, नंबर थर्ड इज थोर्न्स, एंड नंबर फोर्थ इज टेंड्रिल्स और टेंड्रिल्स। फाइलोक्लेड्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कैक्टस के अंदर आपने देखा होगा लाइक दिस इज कैक्टस, दिस इज अ स्टेम ऑफ कैक्टस, इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली थोर्न्स डेवलप हो रहे हैं। दीज थोर्न्स आर प्रोटेक्टिंग टू द लीफ, सॉरी दीज थोर्न्स आर प्रोटेक्टिंग टू द प्लांट, प्लांट को जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। प्लस में जो स्टेम है वो फ्लैशी बन गया है, स्टेम कैसा बन गया है फ्लैशी, और फ्लैशी बनने के बाद में इट इज स्टोरिंग द फूड, फूड को स्टोर कर रहा है। क्लेडवुड की क्लेडवुड का एग्जाम्पल रखते हैं एस्पैरगस, एस्पैरगस के अंदर क्या रखता है कि इसके अंदर भी जो है नोडल रीजन पे से जो है थॉर्न्स ग्रो होने लग जाते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग टू द स्टेम। और थॉर्न भी मॉडिफिकेशन है, जैसे आपने सिट्रस के अंदर देखा है नींबू के अंदर कि जो है नोडल रीजन के ऊपर या फिर लीफ की जस्ट नीचे जो है थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं और लीव्स को या फिर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दैट वी हैव सीन इन द सिट्रस प्लांट। इसके अलावा पैसिव फ्लोरा के अंदर अपन देखते हैं कि स्टेम के अंदर से जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, दीज लेटरल ब्रांचेस आर मॉडिफाइंग इनटू टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स की वजह से जो है जो पैसिव फ्लोरा है वो ऑटोमेटिकली जो है हाई डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाता है या फिर नीड ग्राउंड लेवल से जो है अबो लेवल तक चला जाता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन दे रखे हैं एरियल स्टेम के, ये रखे हैं सब एरियल स्टेम के, और ये रखे हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। इस तरीके से जो है ये मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं। मॉडिफिकेशंस के बाद में जो है स्टेम जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लीफ, लीफ होती क्या है, लीफ की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।